मेरे इन साथियों पर बरसाते हैं, यही मेरी पूंजी है। ये आपका प्यार ही मेरे जीवन की ऊर्जा है। विशेष रूप से माताएं बहनें इतनी विशाल संख्या में यहां आई हैं। मोदी, आपकी सेवा में जीवन के पल पल और शरीर का कण कण आपकी सेवा के लिए खपाने के लिए निकला हुआ है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में चुनाव भ्रमण के लिए गया, जनसभाओं का संबोधन करने का अवसर मिला और हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, मैं एक प्रार्थना करूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, मुझे जवाब दीजिए। देखिए, इस जगह बहुत छोटी पड़ गई और इसलिए आप में से कुछ लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके आप जहां है वहीं खड़े रहिए। अब जगह नहीं है, आप आगे नहीं आ पाएंगे और आपको असुविधा के लिए फिर से क्षमा मांगता हूं, पर आप वहीं शांति से, मेरे पास जितना समय है, मेरी बात मुझे कहने का मौका दीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका आशीर्वाद ये मेरे लिए ऊर्जा है, तो मेरी बात मानोगे? बोले भारत माता की। भाइयों और बहनों, कहा जाता है जितनी मजबूत नींव उतना ही मजबूत घर। इसी सोच के साथ आज भाजपा विकसित भारत के लिए गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति को सशक्त कर रही है। ये भाजपा है जिसने बहनों को बिजली, नल से जल, शौचालय, सस्ते गैस कनेक्शन, ऐसे अनेक रोजमर्रा की आवश्यकताएं ये दिया है। ये भाजपा है जिसने मुफ्त राशन की योजना चलाई ताकि किसी मां के बच्चे को भूखे सोने की नौबत ना आए। हमने मुफ्त इलाज की योजना चलाई ताकि बहनों को अपनी बीमारी न छुपानी पड़े। अब तो मोदी ने
देश के हर परिवार के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। और मेरी आपसे विनती है, आप जब लोगों को मिलने जाए ना, तो हर परिवार में 70 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग है, उनको बताइए कि अगर बीमारी में जो खर्चा आपके बेटे को करना पड़ता था, वो खर्चा अब दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना, वो करेगा। ये बता देंगे, हर बुजुर्ग को बता देंगे, 70 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी बुजुर्ग अब उनके इलाज का खर्चा उनके परिवार के लोगों के सर पर नहीं पड़ेगा, ये जिम्मेवारी मोदी की रहेगी। जब से पीएम आवास के ज्यादातर घर देश की करोड़ों बहनों के नाम हुए हैं, तब से उनकी आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ गई है। साथियों, आने वाले 5 साल देश की नारी शक्ति का जीवन और अधिक शक्तिशाली बनाने वाला होगा। हम खेत में ड्रोन से लेकर इसरो में, जहां से चंद्रयान चलते हैं, नारी शक्ति का विस्तार देखेंगे। आने वाले समय में 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को हम लखपति दीदी बनते देखेंगे, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारे वो योगी जी और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जो मेहनत कर रही है, उस मेहनत से आज यूपी की पहचान नए अवसरों की धरती के तौर पर बन रही है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी का भाग्य बदल रहा है, और यूपी के सांसद के नाते मेरे लिए भी ये गर्व का विषय है। यहां तो नैनो यूरिया की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे अनेक कारखाने यहां लग रहे हैं। पहले आपका हक का पैसा भ्रष्टाचारी लूट लेते थे, आज देखिए बरेली और बदायूं के किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि से 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ऐसे काम तब होता है जब विकास सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। भाइयों और बहनों, 24 का ये चुनाव 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता से देश को पूरी तरह से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के स्वाभिमान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले तक सपा और कांग्रेस, ये दोनों लोग क्या कहते थे, हमें चिढ़ाने के लिए आए दिन कहते थे, ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
और कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर वो मजाक उड़ाते थे मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसी गाली देते थे कि नहीं देते थे? ऐसी गाली देते थे कि नहीं देते थे? और मैं चुपचाप सब गाली सहता था, चुपचाप सहता था। आपके आशीर्वाद से हमने मंदिर भी बनवाया, प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, हुई कि नहीं हुई? हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया, लो भाई ये जगह है, तारीख है, समय है, आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था, ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस दोनों ने, इतना बड़ा पवित्र काम, राम मंदिर का निमंत्रण उनको घर जाकर के दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? एक ही गणित था कि अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। राम ही नहीं बल्कि इन्होंने हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने प्राचीन द्वारका नगरी समंदर के पास गुजरात में बनाई थी और वो वहीं आकर रहे थे। और पुरातत्वविदों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारिका है वो उस किसी जमाने में पानी में डूब गई, वो पानी के नीचे है। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समंदर में गया, बहुत नीचे गया, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण के उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया। लेकिन कांग्रेस के शाहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया। और मैं तो हैरान हूं, ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदि वंशी बताते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसका मतलब है कांग्रेस चाहती है कि आपकी संपत्ति की जांच कराई जाए, आपकी संपत्ति का सर्वे कराया जाए, एक्सरे निकाला जाए, एक्सरे, आपके पास कितना सोना है, कितने गहने हैं, कितने रुपये हैं, कितने वाहन है, गाड़ी कितनी, ट्रैक्टर कितना, साइकिल है कि नहीं है, सारा सर्वे किया जाए। और फिर इसके बाद कांग्रेस का इरादा है आपकी संपत्ति को भी छीन कर वो अपने चहेती वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वहां दे देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस चाहती है आपने जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जुटाई है और आप चाहते हैं कि मरने के बाद अपने संतानों को कुछ दे करके जाएं, और इसलिए आप बचत करते हैं,
अब कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि मृत्यु के बाद ये जो आपकी संपत्ति है उसमें से सब आपके संतानों को नहीं मिलेगी, आधे से ज्यादा संपत्ति ये सपा कांग्रेस की सरकारें जब्त कर लेगी। टेस्ट ऐसा लगाएंगे कि वो संपत्ति जब्त हो जाएगी, यानी आपने चार कमरों का घर बनाया हो तो उसमें से दो कमरे कांग्रेस सपा सरकार दबोच लेगी। आपके पास 10 बीघा का खेत है तो उसमें से 5 बीघा आपके बेटे बेटियों को मिलेगा, 5 बीघा ये दबोच लेगी कांग्रेस और एसपी की सरकार। और ये किसको बांटेंगे? ये सब लूट करके अपनी वोट बैंक को बांटेंगे। बताइए, यहां भी जितनी माताएं बहने हैं, आप भी अपने बेटी बेटी के लिए, पोते पोती के लिए, नाती नातिन के लिए कुछ न कुछ जुटा रही होगी, इकट्ठा करती होगी। पोता बड़ा होगा तो उसको दूंगी, पोती बड़ी होगी तो उसको दूंगी। हमारे यहां हर परिवार में हर पीढ़ी के लोग अपनी दूसरी पीढ़ी को कुछ न कुछ देने के लिए बचाते रहते हैं, लेकिन अब आपकी इस बचत पर कांग्रेस की बुरी नजर पड़ गई है। कांग्रेस और सपा वालों ने तय किया है कि विदेश में ऐसा होता है तो यहां भी करेंगे। विदेश में तो महिलाएं मंगलसूत्र क्या होता है वो भी उनको पता नहीं है भाई, ये मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या कोई मां बहन इस देश में मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? आप विदेशों का हवाला देते हैं, उनकी अपनी दुनिया अपने परिवार है। दरअसल इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। दो शाहजादों की जोड़ी भी देखिए कैसी है। सपा के शाहजादे की जब सरकार थी तब यहां कर्फ्यू लगते थे, माताएं बहने गहने पहनकर मंगलसूत्र पहन करके खुलेआम नहीं निकलती थी, मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था। और कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर ये जो स्त्री धन है उसको भी, मंगलसूत्र को भी छीनने की घोषणा कर रहे हैं। और साथियों, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में 2 लोग नौकरी में है तो 1 नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव भले है लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान बदल सके। और मैं 400 सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि प्रदेशों में जो उन्होंने खेल शुरू किया है
ये धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लूटने का उन्होंने मन में मंसूबा रखा है, उसको हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मुझे 400 सीट की जरूरत है। भाइयों, आपके रक्षा के लिए मुझे 400 सीट चाहिए, आपके हक को कोई छीन न ले इसलिए मुझे 400 सीट की जरूरत है। मैं यूपी के ओबीसी समाज, अपने सभी कुर्मी भाई बहन, यादव भाई बहन, मौर्या कुशवाहा भाई बहन, जाट गुजर भाई बहन, राजभर तेली पाल समाज, ये सबको गारंटी दे रहा हूं, मैं आरक्षण का आपका अधिकार कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छीनने नहीं दूंगा। और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे, परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। भाइयों और बहनों, मजबूत भारत के लिए एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं के हक की सुरक्षा के लिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। खिलाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को जगाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। देखिए, आंवला से मेरे पुराने साथी धर्मेंद्र कश्यप जी और बदायूं से हमारे साथी दुर्विजय शाक्य जी को दिया हुआ आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा। आपका वोट, आप कमल पे बटन दबाएंगे ना तो सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और इसलिए 7 मई को कितनी ही गर्मी क्यों न हो, पहले मतदान फिर जलपान, ये घर घर जाकर आग्रह करना है। मेरी तरफ से हाथ जोड़कर बताइएगा कि मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस पर धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात को दोहराया और इसके साथ ही बीजेपी के 400 पार के संकल्प को
पूरा करने के लिए जनता का सहयोग प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बरेली में मांगा। कल दूसरे चरण का चुनाव होना है और उससे ठीक पहले, क्योंकि चुनाव प्रचार थमता हुआ नजर आएगा और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस पर, विपक्षी दलों पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है न सिर्फ कांग्रेस समाजवादी पार्टी, दोनों को एक साथ एक जगह लाकर खड़ा करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों की सोच एक जैसी है और ये दोनों ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कांग्रेस का खतरनाक पंजा आपका हक छीन लेगा। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है और आपकी रक्षा के लिए हमें 400 सीटें चाहिए, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगाए और एक बार फिर से दोहराया कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ ही और जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री ने यही नारा इससे पहले भी रैलियों के दौरान दिया था और लगातार प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभा के दौरान इसी तरीके से विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, जिसमें आरक्षण का जिक्र हो रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को बाकी लोगों का हक दे दिया जाएगा, भ्रष्टाचार का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं और एक बार फिर से इन मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली में चुनावी मैदान में मौजूद प्रधानमंत्री रहे।